कि असीम वकार जी भी हमारे साथ हैं, बहुत देर से उनकी टिप्पणी नहीं हो पाई है। अतिकुर रहमान साहब भी हमारे साथ हैं। असीम वकार जी, पहले आपका रुख करते हुए, अब देखिए वहां पर उलेमा भी अगर चिट्ठी लिखते हैं, उनको किसी से उम्मीद है तो वो महाविकास अघाड़ी है। आप लोग दावा करते रहते हैं कि मुस्लिमों की पार्टी, हम ही उनकी आवाज उठाते हैं, मुसलमानों पर बहुत ज्यादा हमले होते हैं तो फिर महाविकास अघाड़ी का कोई बोलता नहीं है, महायुति को तो वैसे भी इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। अब चिट्ठी भी लिखी जा रही है तो उन्हीं लोगों को, तो यहाँ पर तो आप ना 3 में ना 13 में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं वकार साहब। अब बहुत माफी के साथ 2-3 बातें बोलना चाह रहा था कि सबसे पहले तो जिन लोगों ने चिट्ठी लिखी है उनको जरा मेरे सामने लाइए, मैं उनसे कुछ बात पूछना चाहता हूं। शिवसेना, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, जो शिवसेना ये कहती थी कि हमें गर्व है कि हमारे लोगों ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया, उससे ये मुसलमान आरक्षण की मांग कर रहे हैं। वो शिवसेना जिसके चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे थे और सरकार जाते जाते उन्होंने औरंगाबाद का नाम बदल के संभाजीनगर कर दिया, उससे ये मांग कर रहे हैं। पता नहीं कौन से दिमाग है इनके पास। खाली जानना चाह रहा हूं, इतने साल कांग्रेस की सरकार रही, इससे पहले भी शिवसेना की सरकार रही, अगर मुस्लिम आरक्षण देना होता तो दे दिया होता। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, कोई भी आदमी भिखारियों को कुछ नहीं देता। मजबूत बनिए, ताकतवर बनिए, अपनी पहचान बनाइए, अपने को मजबूत कीजिए, देखिए सब आपको देंगे। किसको भिखारी बोल रहे आप? ऐसे मत मांगिए। भाई बात समझिएगा आप अपने विधानसभा में लोग जिता के भेजिए 10-15-20, और जब आपके 10-15-20 लोग पहुंचेंगे उस सरकार में आपकी जरूरत होगी, तब आप उनसे सौदा कीजिए कि आप हमें आरक्षण दिए तो हम आपको समर्थन देंगे। अरे वही तो सौदा कर रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ 16 कैंडिडेट लड़ा रही है। सुनिए सर, मैं तो बोला ही नहीं किसी के बीच में। आप क्या बोली? जैसे दिल चाहे बोले, गलत बोले, सही बोले, लड़े, गाली बगे, मैं नहीं बोलता सर किसी के बीच में। तर्क है मेरे पास। इतनी देर से मैं देख रहा हूँ आप सब बोल रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। संविधान सभा के लोगों ने खंडन किया, विरोध किया। अब उसी संविधान सभा की बात कर रहा हूं और उसी संविधान की बात कर रहा हूं जिसमें यह लिखा है कि दलित अगर मुसलमान धर्म अपना लेगा तो उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, लेकिन दलित अगर हिंदू होगा तो आरक्षण मिलेगा। ये क्या दिखाता है कि धर्म के आधार पर अगर नहीं है तो ये क्यों लिखने की जरूरत पड़ी कि दलित अगर हिंदू होगा तो आरक्षण देंगे, दलित अगर मुसलमान होगा तो आरक्षण नहीं देंगे? उसी संविधान में लिखा है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, इसको जाके चेक कर लीजिए आप लोग। आप जाति के आधार पर दे सकते हैं, आप प्रदेश के आधार पर दे सकते हैं, आप अमीर गरीब के आधार पर दे सकते हैं, आप मुसलमान को आरक्षण नहीं दे सकते क्योंकि सबकी मानसिकता एक है। हाँ। वोट सबको चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर आप सवाल उठा रहे हैं कभी भी मुसलमानों को। हाँ, अब संविधान सभा को ही आपने कटघरे में खड़ा कर दिया। सवाल नहीं उठा रहा हूँ। हाँ। और बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान है उसको आप कटघरे में खड़ा कर मेरी मैडम मेरी मैंने दो बार दोहरा दूं और एक बार दस बार दोहरा दूं, सुन लिया है मैंने। डरता था नहीं मैडम, एक बार में सुन लिया बोल है। जनाब आप क्या बोल रहे हैं? हाँ। अच्छा आप ये बता दीजिए, हम मुसलमान आप सबसे आरक्षण दे तो दूसरे जाति मांगेंगे भाई हम। एक बार उनकी बात हो जाए, उनकी बात हो जाए, अतिकुर रहमान जी के भी पास जाना है प्लीज। एक बार कृष्णा हेगड़े जी उनकी बात खत्म हो जाए, अतिकुर रहमान साहब के पास जल्दी से अपनी बात को आगे बढ़ाइए। सर अगर नहीं, अगर मराठाओं को मराठा के आधार पर मिल सकता है तो राजस्थान के लोगों को राजस्थानी होने के आधार पर दीजिए, हरियाणा वालों को हरियाणवी होने के आधार पर दीजिए, पंजाब को पंजाबी होने के आधार पर दीजिए, आसाम को असमी होने के आधार पर दीजिए, बिहार को बिहारियों के आधार पर दीजिए। क्यों नहीं दे रहे? अगर मराठा को मराठियों के नाम पर मिल सकता है तो बाकी लोगों को क्यों नहीं मिल सकता? सवाल तो सर 100 है, जवाब आप लोग का एक भी नहीं है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर दलित मुसलमान है तो आरक्षण नहीं देंगे। दलित को आरक्षण लेने के लिए हिंदू होना जरूरी है। अरे ये सारी व्यवस्था तो लोग बना कर गए हैं ना, और आप लोग कहते हैं कि इस्लाम में कोई जाति नहीं है। बार बार असीम वकार साहब आप लोगों की ओर से यही कहा जाता है इस्लाम में कोई जाति नहीं है। बार बार आप लोगों ने कई बार इस मुद्दे पर डिबेट किया है मेरे साथ, किसी भेदभाव की बात नहीं करते हैं।
जैसे ही बीजेपी उनकी पार्टी गरीब मुसलमानों को लेकर आगे बढ़ने की बात की थी, वैसे कहते हैं कि जाति में बांटना चाहती है, हमारे वहां तो जाति नहीं है। अब आप यहां पर लेकर आ रहे हैं कि दलित अगर हिंदू है तो आरक्षण का हकदार है, मुसलमान हो जाए तो आरक्षण का हकदार नहीं है। पहले आप खुद तो तय कर लीजिए वकार साहब। अरे कि मैं क्या नहीं लेके आ रहा हूँ मैडम, आप क्या आपका वक्त बोर्ड क्या कर रहा है मेरे को वो बताइए मैडम। मैं अरे सर क्यों बीच में कौन साहब बोल रहे हैं ये? अरे आप हेगड़े जी हैं, शिवसेना शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं उनके ये राष्ट्रीय उनके प्रवक्ता हैं। बोलिए अब असीम बकार जी, अपनी बात खत्म कीजिए, बाकी लोगों के पास भी जाना है सर, जल्दी से। मैं आपसे नहीं, नहीं, मैंने बात मैंने जो कहना था बात खत्म कर दी। मैं एक लाइन और बोलना चाह रहा था आखिर में जी, कि मैं महाराष्ट्र के तमाम मुसलमानों से कह रहा हूँ ऐसे ऐसे आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण छीनना पड़ता है, ताकत दिखाना पड़ती है, 15 मिनट वाली। और लोकतंत्र में ताकत है वोट, और वोट वोट जो ताकत है वो आपके विधानसभा के विधायक तय करती है। आप अपने विधायक बना के भेजिए, जिस दिन सरकार में आपके विधायकों की जरूरत पड़ी और बिना आपके विधायकों के सरकार नहीं बनी, उस दिन एक घंटे में आपको आरक्षण मिल जाएगा। वरना आप रोते रहिए, चिल्लाते रहिए, गाते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। कोई शिवसेना कोई कांग्रेस आपको आरक्षण नहीं देगी। ठीक है, मतलब आप ये भरोसा देने की कोशिश कर रहे हैं कि MIM ही आपकी सच्ची रहबरदार है और उसी के ऊपर भरोसा किया जाए। आपकी बात समझ में आ गई। अतिकुर रहमान साहब, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, अगर उलेमाओं की ओर से इस तरह की चिट्ठी लिखी गई है 10% आरक्षण की, वो मांग सर, बाकी लोगों की भी बात हो जाए, फिर आप अपने सेकंड टर्म में बोलिएगा। ABP News आपको रखे आगे।